वेदर टू होल्ड और सेल। देखिए सर, स्विगी का जो आईपीओ का पूरा जो सिनेरियो बन रहा है, स्विगी के कुछ नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे, इनकी जो एंकर बुक है वो करीब 25 गुना के आसपास भरती हुई दिखी, तो वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जो लिस्टेड कंपनी है जोमैटो, उसके मुकाबले हम देखें तो उसके वैल्यूएशन काफ़ी नीचे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जोमैटो का जो शेयर है स्विगी के मुकाबले करीब 2.5 गुना के वैल्यूएशन पर आपको नजर आएगा। तो 250 रुपये के आसपास जिस प्राइस की वो बात कर रहे हैं, इसी प्राइस की मैं कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ आपको सर। तो हमारे जो दर्शक हैं उनके पास 200 शेयर हैं 250 रुपये के भाव पर। तो जिनके पास जोमैटो इस भाव पर है या फिर जो स्विगी के आईपीओ के हिसाब से खरीदने की सोच रहे हैं, क्या उनको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? अब सर 245 रुपए के आसपास आ गया शेयर। इस स्टॉक में एक फील्ड ब्रेकआउट बना था 280 285 पे और लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है। पहला लेवल 240 का आता है, आई गेस 240 रुपए स्टॉक डिफेंड कर लेगा, क्योंकि जिस हिसाब का मूव है लॉन्ग लिक्विडेशन में एकदम से स्टॉक बैठ जाता है, ये धीरे धीरे करके ऑर्डरली नीचे आ रहा है। तो 240 के अराउंड, 238 240 के अराउंड कहीं भी फील्ड लो की फॉर्मेशन होती है तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है, ऊपर में वापिस 310 आ जाएगा। लेकिन अगर 235 के नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर आपको स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अगर है 235 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस बनेगा, नहीं है तो फ्रेश बाइंग 240 के अराउंड 5 रुपए का रिस्क रहेगा, 235 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस, ऊपर में 310 रुपए स्टॉक आ सकता है। 240 के आसपास खरीदे, फ्रेश एंट्री आपको करनी है, 235 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 310 तक के टारगेट जोमैटो के शेयर में देखने को मिल सकते हैं।